हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वेदिक गुरुज में। आज वेदिक गुरुज कक्षा नौवीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए छठा चैप्टर रेखाएं और कोण प्रश्नावली 6.3 हल करेंगे। आपने इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है, वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वेदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न, प्रश्नावली 6.3 लिखा है, आकृति में त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और RQ को क्रमशः बिंदुओं S और T तक बढ़ाया गया। देखिए ये त्रिभुज है हमारे पास PQR, ये दे रखी है, जो इसकी ये भुजा है PQ, इसको बढ़ाया है हमने S तक, और ये जो RQ है इसको बढ़ा लिया हमने T तक। तो जैसे ही हमने इन भुजाओं को बढ़ाया तो ये बाहरी कोण बने, दो बाह्य कोण बोलते हैं इनको, बाह्य कोण, बाहरी की तरफ, जो बाहर की तरफ बनते हैं त्रिभुज की भुजा के साथ, एक तो है SPR 135 डिग्री और एक है PQT 110 डिग्री। ये कोण हमें माप इनके प्रश्न में दे रखे हैं। हमें बताना है इस त्रिभुज, इस कोण का माप क्या होगा, कोण R जो है, यानी कोण QRP या PRQ कुछ भी कह सकते हैं आप इसको, इस कोण का माप हमें ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे दिया है कोण SPR बराबर 135 डिग्री तथा कोण PQT बराबर 110 डिग्री। अगर आप त्रिभुज में ध्यान से देखें, आकृति में देखिए, ये जो कोण है SPR ये, और ये कोण P जो अंदर वाला कोण है, ये दोनों कोण मिलके क्या करते हैं, ये दोनों कोण मिलके रैखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रैखिक युग्म। तो देखिए हमने यही लिखना है, कोण SPR जमा कोण QPR जो त्रिभुज का आंतरिक कोण है, इन दोनों का योग 180 डिग्री है। क्यों है 80 डिग्री, क्योंकि हमने अभी देखा है आकृति में ये रैखिक युग्म बनाते हैं, एक सीधी सरल रेखा पर जो रैखिक युग्म होते हैं उनका जोड़ 180 होता है। तो देखिए SPR का मान हमें 135 दे रखा है, हमने लिख दिया, ये हम ज्ञात कर लेते हैं QPR बराबर 180 डिग्री। तो कोण QPR का मान हमें पता चल जाएगा यहां से 180 डिग्री, ये 135 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसमें से घटा कर देंगे इसको, तो देखिए कोण QPR का जो मान आ गया 180 में से आप 135 घटा देंगे 45 डिग्री बचेगा। तो कोण QPR जो है वो 45 डिग्री आ गया, देखिए त्रिभुज के अंदर लिख देते हैं ये 45 डिग्री आ गया। अब ये जो कोण बचा है हमारे पास यहां बाहर की तरफ जो बना है PQT, ये बाह्य कोण है त्रिभुज का। तो त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है, कि जो बाहरी कोण होता है बाह्य कोण वो क्या होता है, वो आंतरिक सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये जो कोण है 110 डिग्री ये इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर है, 45 जमा कोण R जो हमें ज्ञात करना है, इन दोनों का जोड़ 110 के बराबर है। तो आपने यही लिखना है कोण PQT एक, मैं लिख देता हूं बाह्य कोण है इसलिए जो कोण PQT है ये क्या होगा, ये आंतरिक कोणों के जोड़ के बराबर। आंतरिक कोण कौन कौन से थे, ये बाह्य कोण है, इसके आंतरिक कोण, सम्मुख कोण अंदर के सामने वाले, सम्मुख मतलब इसके अंदर और उसके सामने, इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर, बराबर कोण QPR जमा कोण PRQ। तो देखिए ये तो 110 डिग्री है मान, QPR हमने अभी निकाला ऊपर 45 डिग्री, और ये हम ज्ञात करना चाहते हैं, तो ये 45 इधर आके माइनस का हो जाएगा, 110 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर कोण PRQ। तो 110 में से आप 45 घटा दीजिए, देखिए कितना बचेगा 65 डिग्री। तो ये आपके पास कोण PRQ का मान आ गया जो हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था। दूसरा प्रश्न कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का, लिखा है आकृति में कोण X बराबर 62 और XYZ 54 है। देखिए ये एक त्रिभुज है XYZ हमें दी हुई है, इसमें ये कोण X इसका मान हमें 62 डिग्री दे रखा है, और ये कोण Y जो है इसका मान हमें 54 डिग्री दे रखा है पूरा का पूरा, और ये कहा गया है कि ये जो YO और ZO हैं, ये कोण Y और कोण Z, इधर वाला जो कोण बनेगा Z यहाँ पर, इसके समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो हमें बताना है कोण OZY
और वाई और जेड के मान ज्ञात करने। अब ओ जेड वाई कौन सा कोण, लिखिए ओ जेड वाई ये अंदर वाला कोण है। अगर मैं ये मान लूं कि त्रिभुज में ये कोण नंबर एक है और एक ये हमें ज्ञात करना है वाई और जेड, इसको मान ले कोण नंबर दो, और ये अंदर की तरफ जो छोटा कोण है, जो छोटी त्रिभुज वाई और जेड है, ये कोण नंबर तीन। इनको हमने नंबर दे दिए कोण एक, कोण दो और कोण तीन। तो हमें एक और दो का मान बताने के लिए कहा गया प्रश्न में। तो देखिए ओ जेड वाई जो एक कोण था, इसको मैंने कोण एक लिख दिया है, और जो वाई ओ जेड है इसको मैंने कोण दो लिख दिया है। इनके मान हमें ज्ञात करने हैं। तो आप लिखेंगे सबसे पहले, देखिए दिया है, दिया है त्रिभुज एक्स वाई जेड में, जो बड़े वाली त्रिभुज है उसके अंदर कोण x बराबर 62 डिग्री और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 डिग्री है। इसी प्रकार जो वाई ओ है, वाई ओ कोण एक्स वाई जेड का, जो हमारे पास ये कोण है 54 डिग्री, इसका समद्विभाजक है। वाई ओ कोण एक्स वाई जेड का समद्विभाजक है। समद्विभाजक का मतलब क्या होता है, दो बराबर भागों में बांटना, संधिभाजक है। तो संधिभाजक का मतलब क्या हुआ कि जो अंदर वाला कोण है कोण तीन, वो कितना होगा, कोण एक्स वाई जेड को अगर मैं दो से भाग कर दूं यानी 54/2, तो ये आ जाएगा 27 डिग्री। तो ये जो अंदर वाला कोण है मेरे पास तीन, इसका मान मुझे पता चल गया 27 डिग्री, क्योंकि ये इसका समद्विभाजक है। देखिए ये पूरा यहां से यहां तक 54 है, और इसका समद्विभाजक कर देंगे, दो बराबर भागों में बांटेंगे, तो 27 ये बचेगा, 27 ये बचेगा। तो हमने लिख दिया कि ये नीचे वाला जो अंदर वाला कोण है ये 27 डिग्री है। तो हमें अब कोण एक और दो ज्ञात करने हैं, तीन तो हमें पता चल गया, वो कैसे करेंगे, देखिए हम फिर से लिखेंगे त्रिभुज एक्स वाई जेड में, तीनों कोणों का योग हमें पता त्रिभुज के कितना होता है 180 डिग्री। आप देखिए कोण एक्स जमा कोण वाई जमा कोण जेड बराबर 180 डिग्री होता है ना। कोण एक्स हमें दे रखा है 62 डिग्री, कोण वाई हमें दे रखा था 54 डिग्री, कोण जेड पता लगा लेंगे हम, यहां बराबर 100 डिग्री, इन दोनों को जमा कर दीजिए। 62 जमा 54 कितना होगा, 4 और 2 6 6 और 5 11 116 जमा कोण जेड बराबर 180 डिग्री। तो यहां से कोण जेड का मान आ जाएगा हमारे पास 180 माइनस 116, यानी कोण जेड जो आ गया वो 64 डिग्री आ गया। देखिए आकृति में देखिए कहां है, ये रहा, ये जो कोण जेड है ये हमारे पास कितना आ गया 64 डिग्री। तो ये क्या है, जेड ओ इसका समद्विभाजक है, यानी दो बराबर भागों में बांटेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 64 के दो बराबर भाग यानी 32 ये और 32 ये, मतलब कोण एक का मान भी अब कितना आ गया 32 डिग्री। तो आपने यही लिख देना है, जेड ओ कोण जेड का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, तो क्या होगा, इसलिए कोण एक बराबर कोण जेड को आप कैसे निकलेंगे, दो से भाग कर देंगे, तो 64/2 यानी 32 डिग्री निकल गया कोण एक का मान। ठीक है, अब देखिए कोण एक भी पता चल गया हमें, ये वाला कहा गया था ज्ञात करने के लिए, यानी इसको हमने लिखा था कोण ओ जेड वाई बराबर 32 डिग्री। ये तो पहला भाग हो गया प्रश्न का। अब जो ये अंदर वाली त्रिभुज है हमारी ओ वाई जेड, इसके हमें दो कोण पता है, तीन नंबर कोण जो 27 डिग्री आया था, और एक कोण एक वो 32 डिग्री आया था, और तीसरा कोण दो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए फिर से भाई, त्रिभुज ओ वाई जेड में तीनों कोण थे ना, एक जमा दो जमा तीन, कितना होता है त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री। कोण एक हमें पता है 32 डिग्री है, कोण दो हमें ज्ञात करना है, कोण तीन हमें पता है 27 डिग्री है। तो देखिए कितना आएगा, इन दोनों को जमा कर देंगे, तो कोण दो जमा 27 और 32, 7 और 2 9 3 और 2 5 59 डिग्री आ गया बराबर में 180 डिग्री। तो कोण दो बराबर 180 माइनस ये जो 59 है ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, इसको घटा कर देंगे आप, तो कोण दो हमारे पास बचेगा देखिए 121 डिग्री। तो कोण दो भी हमें पता चल गया 121 डिग्री, यानी जिसको हमने कहा था कोण वाई ओ जेड, ये आ गया 121 डिग्री। देखिए तीसरा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्नावली 6.3 का, आकृति में ए बी समांतर डी ई, दो रेखाएं दे रखी हैं। देखिए ये आकृति है हमारे पास, इसमें ये ए बी और ये डी ई, ये दोनों समांतर रेखाएं हैं।
और हमें गिवन है कि ये जो कोण है बी ए सी ये 35 डिग्री का है बाहर वाला, और त्रिभुज का ये अंदर वाला जो कोण है सी डी ई ये 53 डिग्री का है। हमें इस कोण सी का मान बताना है, ठीक है। इस कोण को अगर मैं मान लूं कि ये एक्स है, मान लेते हैं हम कि ये जो कोण हमें ज्ञात करना है डी सी ई इसका नाम एक्स है, ठीक है। नाम तो अपनी मर्जी से रख सकते हैं हम, इसलिए हमने इसका नाम एक्स डिग्री रख लिया कि ये कोण एक्स है, जो भी आएगा इसका मान। अब हमें पता ही, देखिए ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, तो ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण बन जाएंगे। ये लाएंगे इस तरफ बना हुआ, ये इस तरफ बना हुआ, अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री आएगा, है ना, क्योंकि एकांतर कोण है दोनों, समांतर रेखाएं हैं। तो यही लिखना है, देखिए हमें तो लिखेंगे आकृति से, आप लिख देंगे आकृति से कि जो ए बी समांतर डी ई है, ए बी समांतर डी सी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोण बी ए सी बराबर कोण ई, कौन से कोण हो गए ब्रैकेट में, इसका कारण लिख देंगे हम एकांतर कोण, और एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं, और बी ए सी हमें प्रश्न में दे रखा है 35 डिग्री है, तो कोण ई हमें पता चल गया, देखिए यहां से 35 डिग्री का, ठीक है। अब कोण 35 डिग्री आ गया हमारे पास कोण ई का मान, तो अब हम कोण एक्स का मान निकाल सकते हैं त्रिभुज सी डी ई की सहायता से। तो लिख देंगे त्रिभुज सी डी ई में कोण सी, यानी कि कोण सी को देखिए हमने आकृति में जो कोण सी था अंदर वाला था इसको हमने एक्स मान लिया है, तो यहां कोण सी की जगह पर हम एक्स लिख देंगे, एक्स जमा कोण डी जमा कोण ई बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है। एक्स का मान हमें ज्ञात करना है, कोण डी हमें प्रश्न में दे रखा 53 डिग्री, कोण ही हमने ऊपर निकाल लिया अभी 35 डिग्री, और तीनों कोणों का जोड़ जो है वो 180 है, तो देखिए एक्स जमा 53 और 35 जमा हो जाएंगे 88 डिग्री आ गया बराबर में 180 डिग्री, तो जो एक्स का मान आएगा वो 180 में से ये 88 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो आप 180 में से 88 घटा दीजिए तो कितना बचेगा 92 डिग्री। तो कोण एक्स का जो मान है यानी जो आंतरिक कोण हमें ज्ञात करना था ये डी सी ई, ये हमारा कितना आ गया 92 डिग्री। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं प्रश्नावली 6.3 का, आकृति में यदि रेखाएं पी क्यू और आर एस, देखिए ये एक रेखा पी क्यू है और ये आर एस, ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु टी पर काटती है, हमें कोण पी का माप दिया हुआ है 95 डिग्री, कोण आर का माप दिया हुआ है 40 डिग्री, कोण एस का मान दिया हुआ है 75 डिग्री, ये चीजें तीनों कोण हमें प्रश्न में दिए हुए हैं, हमें इस कोण का मान ज्ञात करना है कोण एस क्यू टी का, ये बताना है कि ये कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज की बात करते हैं पी आर टी में, अगर मैं इस कोण को मान लूं यहां पर एक्स, तो इस त्रिभुज पी आर टी में इन तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो यही लिखेंगे आप, देखिए त्रिभुज पी आर टी में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, इसी का प्रयोग करेंगे, कोण पी जमा कोण आर जमा एक्स बराबर 180 डिग्री, कोण पी हमें दे रखा है 95 डिग्री, कोण आर हमें दे रखा है 40 डिग्री, जमा एक्स का हम मान ज्ञात करना चाहते हैं 180, तो 95 और 40 देखिए जमा कर दीजिए कितना आएगा 135 जमा एक्स बराबर 180 डिग्री, अभी 135 जो है उधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा, तो आप 180 में से 135 घटा दीजिए, आपके पास एक्स का मान आ जाएगा और वो आ गया है हमारे पास देखिए 45 डिग्री। तो कोण एक्स जो है हमें ये पता चल गया, अब ये 45 डिग्री है, तो कोण एक्स जो है इसके सामने वाला जो ये कोण बनेगा, ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है, अगर मैं इसको कह दूं कि ये वाई है, तो देखिए कोण एक्स बराबर कोण वाई, कारण लिख देंगे उसका क्यों है वो, क्योंकि वो शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, जब भी दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं इस तरह से तो आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और एक्स कोण जो था वो 45 डिग्री के बराबर है, तो कोण वाई का मान भी देखिए हमारे पास आ गया है 45 डिग्री। अब हमें यह पता चल गया कि जो वाई का मान है वो 45 डिग्री है, तो अगर हम इस त्रिभुज की बात करें एस टी क्यू की, एस हमें पता है 75 डिग्री, वाई हमें पता है 45 डिग्री, तो क्यू का मान निकाला जा सकता है, और प्रयोग क्या करेंगे हम, वही जो हमने अभी पीछे किया है, त्रिभुज एस क्यू टी में
तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री, तो आप लिखेंगे कोण S जमा वाई जमा कोण Q बराबर में 180 डिग्री। क्यों लिखा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। S का मान 75 है, वाई हमने 45 निकाल लिया है, क्यों हम ज्ञात करना चाहते हैं, प्रश्न में कहा गया क्यों का मान निकाल के बताओ, तो 75 जमा 45 कितना आ गया देखिए 120 डिग्री। अब क्यों हमें आसानी से पता चल जाएगा, बहुत ये जो 120 है ये उधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा, तो कोण क्यों जो आ गया 180 माइनस 120, और ये कितना होता है ये आपको पता है 60 डिग्री होता है, तो कोण क्यों आ गया हमारे पास 60 डिग्री, यानी ये जो कोण हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया था इसका मान आ गया है 60 डिग्री। पांचवा प्रश्न प्रश्नावली 6.3 का देखिए लिखा है, आकृति में PQ जो है वो समकोण है, समलंब PS पर, ये PQ है और ये PS है, ये आपस में यहां एक दूसरे के समकोण है, समलंब है, समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है, और ये रेखा PQ और ये रेखा SR दोनों समांतर हैं, ये हमें दे रखी है कि PQ जो है वो समांतर है SR के, और ये x और y के मान हमें ज्ञात करने हैं, जबकि ये जो कोण है बीच वाला यहां 28 डिग्री दे रखा है और जो ये बाहरी कोण है ये 65 डिग्री दे रखा है, तो हम सबसे पहले जो प्रयोग करेंगे वो ये करेंगे, देखिए ये जो तथ्य हमें दिया हुआ है कि PQ समांतर है SR, ये PQ ये SR समांतर है, तो जब समांतर रेखाएं होती है तो एकांतर कोण जरूर बनता, देखिए तो ये कोण और ये कोण ये दोनों एकांतर कोण है, यानी कोण PQ T और कोण क्यू टी आर ये दोनों एकांतर कोण है इसलिए बराबर भी होंगे, तो देखिए हमने ये लिखना है, दिया है पी क्यू समांतर एस आर, तो इसका अर्थ हुआ कोण पी क्यू टी बराबर है कोण क्यू टी आर, और हम यहां पर कारण लिख देंगे क्योंकि ये कौन से कोण है, ये एकांतर कोण है जो हमेशा बराबर होते हैं, तो ये जब एकांतर कोण है और पी क्यू टी देखिए दो चीजों से मिलकर बना है एक्स जमा 28 और क्यू टी आर हमें प्रश्न में दे रखा है 65 डिग्री, तो देखिए एक्स का मान तो यहां से सीधा सीधा निकल गया, ये 28 इधर जाके 65 में से माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 37 डिग्री, तो देखिए एक्स का मान तो सीधा सीधा निकल गया यहां पर हमारे पास 37 डिग्री ये। अब अगर आप ध्यान से देखिए जो पी क्यू और एस ये जो त्रिभुज है PQ S, ये समकोण त्रिभुज है क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, ये 37 डिग्री हमें पता चल गया, हमें सिर्फ इस Y का मान बताना अब यहां से यहां तक का, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 90 डिग्री 180 डिग्री होता है, दोनों कोण हमें पता है, तीसरा हम निकाल सकते हैं, तो हम यही लिख देंगे यहां पर त्रिभुज PQ S में तीनों कोणों का जोड़ कोण P जमा वाई जमा एक्स बराबर 180 डिग्री होता है, कोण P हमें दे रखा है 90 डिग्री क्योंकि समकोण त्रिभुज है, जमा Y हमें ज्ञात करना है, X हमने अभी निकाला 37 डिग्री आया बराबर 180, अब 90 और 37 को आप जमा कर दीजिए देखिए कितना आएगा 127 डिग्री जमा Y बराबर 180 डिग्री, तो Y का मान भी देखिए बहुत आसानी से निकल गया, ये 127 इधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 127 तो Y का मान हमारे पास आ गया 53 डिग्री, तो देखिए X और Y दोनों निकाल दिए हमने जो कहा गया था। देखिए आखिरी सवाल है 6.3 प्रश्नावली का छठा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता है और इसको हम एक बिल्कुल अनेक अलग यूनिक तरीके से करेंगे। त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है, ये त्रिभुज PQR है देखिए, इसकी ये भुजा QR हमने S तक बढ़ा ली, फिर वो कह रहा है ये जो कोण है PQR, ये जो कोण है PQR इसका समद्विभाजक, और ये जो कोण बना था बाहरी कोण PRS इसका समद्विभाजक, समद्विभाजक का मतलब ये इस कोण को दो बराबर भागों में बांटेगा, यानी ये वाला ऊपर वाला भी x नीचे वाला भी x दोनों बराबर हो गए, और इसी तरह से ये भी समद्विभाजक है, तो इस पूरे कोण के दो बराबर भाग कर दिए मैंने, मान लिया ये भी वाई और ये भी वाई, और ये दोनों समद्विभाजक यहां बिंदु टी पर मिलते हैं जाके, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि जो क्यू टी आर है, क्यू टी आर का मतलब है ये वाला कोण टी, ये वाला ये बराबर है 1/2 एंगल क्यू पी आर, यानी क्यू पी आर इस कोण का आधा है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है, तो देखिए हम सीधा से लिखेंगे त्रिभुज सबसे पहले PQR में, त्रिभुज PQR में आपको पता है जो बाहरी कोण होता है बाह्य कोण एंगल
पी आर एस जो है एक बाह्य कोण है। बाह्य कोण आपको बताया, हमने पहले भी बताया था, आंतरिक सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होता है। जैसे ये कोण है पी आर एस, ये किसके बराबर है, ये रहा ना भाई पी आर एस, ये वाई जमा वाई 2y के बराबर है, ये अंदर वाले सम्मुख कोणों के बराबर के सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर होगा। यानी वाई जमा वाई जो है 2y, ये किसके बराबर होगा, कोण पी इसके, और ये जो पूरा का पूरा कोण है ये इन दोनों के जोड़ के बराबर, कोण पी जमा एक्स 2x। तो लिखेंगे 2y बराबर कोण पी जमा 2x। हमने क्या किया, देखिए जो प्रॉपर्टी लगाई कौन सी लगाई, त्रिभुज पी क्यू आर में, कि जो बाह्य कोण था, बाहरी कोण वाई जमा वाई 2y पी आर एस, ये किसके बराबर था, आंतरिक सम्मुख कोणों के जोड़ के बराबर, अंदर वाले सामने के कोण पी और 2x इन दोनों के जोड़ के बराबर। तो ये जो 2x है इसको आप इधर ले आइए, 2y माइनस 2x बराबर कोण पी बच गया, दो दोनों में से बाहर कॉमन आ जाएगा, y माइनस एक्स बराबर कोण पी। तो y माइनस एक्स का मान निकाल लेते हैं, यहां पर कितना आ गया, ये दो इसके बटे में आ जाएगा, यानी 1/2 कोण पी आ गया y माइनस एक्स। अब ये कोण पी कौन सा है, ये जो कोण पी है वो ये वाला है, यानी क्यू पी आर। तो देखिए y माइनस एक्स बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर, इसको हम मान लेते हैं समीकरण एक। देखिए जो सिद्ध करना है उसमें हमने जो हमारा दायां पक्ष राइट साइड वो यही है, 1/2 एंगल क्यू पी आर, ये हमने समीकरण एक में निकाल दिया, किसके बराबर आए, वाई माइनस एक्स के। यानी अब जो हमारी लेफ्ट साइड है बायां पक्ष क्यू टी आर कोण, अगर ये भी वाई माइनस एक्स के बराबर आ जाए तो काम खत्म हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यही प्रॉपर्टी फिर से लगाएंगे जो अभी लगाई थी त्रिभुज क्यू टी आर के लिए। तो आप लिख देंगे त्रिभुज क्यू टी आर में भाई ये कौन कौन सा, टी आर एस, कौन टी आर एस एक बाह्य कोण है, लिख देंगे यहां पर बाह्य कोण है, और बाह्य कोण क्या होता है, कौन सा बाह्य कोण, देखिए टी आर एस ये पूरा का पूरा ये है टी आर एस कोण, ये वाई जो है ये बाह्य कोण है। तो ये किसके बराबर होगा, अंदर वाले सम्मुख कोणों के, यानी सम्मुख कोण कोण टी और ये कोण एक्स, इसके बराबर, यहां तक इसके और इसके जोड़ के बराबर होगा, टी जमा एक्स के बराबर होगा, कौन सा कौन, बाह्य कौन टी आर एस जो कि वाई है। तो आप लिख देंगे वाई बराबर कौन टी जमा एक्स, अभी एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, तो वाई माइनस एक्स बराबर कौन टी आ गया, कौन टी क्या है आकृति में देखिए, कौन क्यू टी आर, तो वाई माइनस एक्स बराबर आ गया कौन क्यू टी आर, और ये हमारी लेफ्ट साइड थी जो हमें सिद्ध करने के लिए कहा गया था समीकरण दो मान लीजिए। तो देखिए समीकरण एक किसके बराबर है, वाई माइनस एक्स के, समीकरण दो किसके बराबर है, वाई माइनस एक्स के, इसका मतलब इनकी लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी बराबर होगी। तो आप लिख देंगे देयरफॉर, इसलिए समीकरण एक और दो से कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर, यही सिद्ध करना। तो देखा बच्चों आपने, ये था प्रश्नावली 6.3 आखिरी चैप्टर कक्षा नौवीं के लिए हिंदी मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का रेखाएं और कोण जो हमारा छठा चैप्टर है उसकी आखिरी प्रश्नावली, उसके सभी सवाल आज हमने आपको इस वीडियो में समझा दिए हैं। आपने वीडियो को पूरा देखना है, क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है और लाइक जरूर करना है हमारा चैनल द वेदिक गुरुज। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वेदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप अपने घर में रहें, सेफ रहें, स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं और खूब मन लगा के पढ़िए। जुड़े रहिए वेदिक गुरुज के साथ, वेदिक गुरुज के वीडियोस आपको इसी तरह लगातार मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत जल्द फिर मिलेंगे। थैंक यू।